दिनेश की पूरी दोपहर खराड़े साहब की बकबक सुनने में और ऑफिस की सारी फाइलें देखने में गई। अपेक्षानुसार आज पूरा दिन चार्ज हटो घर नहीं हुआ था, शायद और एक दिन लगने की उम्मीद थी। खराड़े साहब के बातों के सुर से एक बात साफ थी कि उनकी यहाँ और कुछ दिन रहने की इच्छा थी। खराड़े साहब के बातों के सुर से एक बात साफ थी कि उनकी यहाँ और कुछ दिन रहने की इच्छा थी, क्योंकि उनके गांव से यह गांव नजदीक होने के कारण यहाँ नौकरी करना उन्हें सुविधाजनक था। उधर गांव में अपनी खेती की तरफ भी वे ख्याल दे सकते थे। उनकी बातों से और एक बात पता चली कि उनका तबादला करने में यहाँ के गाँव वालों का बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए उनकी बातों में गाँव वालों के लिए कुछ ज्यादा आदर नहीं दिखाई दे रहा था। शाम को काम से काफी थकने के बाद गणेश ने अपने कमरे में आकर थोड़ा आराम करने की सोची और फिर आराम के बाद रात के खाने के लिए फिर से सरपंच जी के यहाँ तो जाना ही था। उसने कमरे का ताला खोला, अंदर जाकर दरवाजे के पीछे का इलेक्ट्रिक का बटन दबाया, लाइट जल गया। लेकिन दीन, साला देहात में ये इलेक्ट्रिक का झमेला है ही, भले दीन क्यों ना हो, इलेक्ट्रिक तो है ना, वही बहुत हो गया। सरपंच के नौकर ने गद्दी डालकर ऊपर चद्दर वगैरह डालकर पूरी तरह से तैयार की हुई देखकर उसे अच्छा लगा। कमरे में आते हुए सामने मधुरानी के दुकान की तरफ देखना उसने जानबूझकर टाला था। अंदर आते ही उसने सामने का दरवाजा अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया और खुद को सोने के लिए बिस्तर के हवाले कर दिया। वह बिस्तर पर अचल सा पड़ा रहा। वह बिस्तर पर देखने को तो अचल सा पड़ा था, लेकिन उसके विचार रुकने को तैयार नहीं थे। तन थक गया था, लेकिन दिमाग थकने के लिए तैयार नहीं था। वह सोचने लगा, आज पूरा दिन सरपंच जी के साथ घूमने में और ऑफिस का काम करने में और खराड़े साहब की बकबक सुनने में चला गया था, लेकिन ऐसा एक भी पल नहीं था कि जब मधुरानी उसके मस्तिष्क के पटल से हट गई हो। पूरे वक्त वह उसके साथ उसके दिमाग में थी। उसकी वह उत्कट आंखें, उसकी वह शरारती हंसी रह रहकर उसकी आंखों के सामने आती रही थी, और अब भी उसका वही हाल था। उसने उसे अपने दिमाग से झंझोड़कर निकालने के प्रयास में करवट बदली, लेकिन उसके विचार थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने सोचा कि एक हाथ सिगरेट पी जाए तो शायद सुकून मिले। उसे दिन में कम से कम एक या दो सिगरेट पीने की आदत थी और आज उसने एक भी नहीं पी थी, लेकिन सिगरेट पीना मतलब साथ में दुकान पर जाना आ ही गया। लेकिन बाद में उसे क्या लगा, क्या जाने, वह जिससे उठ गया, मैं उससे ऐसे कितने दिन बचने वाला हूँ। किसी समस्या से बचने के लिए उससे दूर भागने से उसका सामना करना कभी भी उचित होता है। वह उठकर खड़ा हो गया, बाथरूम में गया, मटके से ठंडा ठंडा पानी लेकर हथेली से मुंह पर छिका। बगल में पीतल का लोटा रखा था, उससे मटके में से पानी लेकर उसने अपने हाथ पैर पर डाला, फिर वैसे ही वापस आकर अपने बॉग के पास चला गया। बॉग खोली, बॉग मध्य ऊपर ही साफ सुथरे तरीके से रखा हुआ तौलिया था। उसने वह निकाला, मुंह पोंछ लिया। मुंह पोंछते हुए चावे से आ रही वॉशिंग पाउडर की सौंधी सौंधी खुशबू से उसके दिल को ठंडक सी महसूस हुई। कुछ क्षण के लिए क्यों ना हो उसे अपने बीवी की याद आ गई। उसने बॉग से सारे कपड़े उठाकर बॉग की तह में सबसे नीचे देखा, वहां उसका बीवी और लड़के के साथ खींचा फैमिली फोटो रखा हुआ था। दूर जाने के बाद ही अपने लोगों का महत्व महसूस होता है, उसने सोचा और फिर से सारा सामान बॉग में ठीक से रख दिया। अब वह खड़ा होकर हाथ पैर पोंछने लगा। हाथ पैर पोंछने के बाद उस गिले तौलिए को कहां सूखने के लिए टंगाया जाए इसके लिए जगह ढूंढने लगा। दीवार पर उसे एक जगह एक अंकुड़ा दिखा, उसने वह तौलिया वहां सूखने के लिए टंगा दिया। तौलिया लटकाते हुए उसका ध्यान खुली खिड़की से बाहर दुकान की तरफ गया। दुकान पर अब काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, शाम का वक्त होने से शायद। चबूतरे पर भी लोग समूह बनाकर बातें कर रहे थे। उन समूह में कोई बीड़ी फूंक रहा था तो कोई चिलम भर रहा था तो कोई तंबाकू मसल रहा था। दरवाजे के पास जाकर उसने चप्पल पहन ली और दरवाजा खोलकर दरवाजे को ताला लगाकर वह बाहर निकल गया। बाहर चबूतरे पर बैठे काफी लोगों की चिकित्सक नजरों ने उसे घेर लिया। फिर से लोग अपने अपने कामों में मशगूल होने के बाद वह एक समूह के करीब चबूतरे पर अकेला ही बैठ गया। वह समूह शादी को आए जवान लड़कों का था। लड़के छुप छुप कर दुकान के गले की तरफ देखने में मशगूल थे। गणेश उसका उस लड़कों की तरफ बिल्कुल ख्याल नहीं ऐसे जताते हुए वहां बैठा रहा। इसे तो खेतमा ले जाकर मसलना चाहिए, उस समूह से एक मधुरानी की तरफ देखते हुए बोला। देखियो ज्यादा मसलेगा तो घुटने फुट जावेंगे, दूसरे ने कहा। फिर सारा समूह जोर से हंसने लगा। शीशी, ये लड़के तो बहुत ही घटिया किस्म के लगते हैं, गणेश ने मन ही मन सोचा। और वह वहां से उठकर मधुरानी के दुकान के सामने जाकर कब खड़ा हुआ उसे भी पता नहीं चला। मधुरानी उसकी तरफ देखकर मंद मंद मुस्काए। दिन भर दुकान पर बैठने के बाद भी ना उसकी हरकतों में ना उसकी हाव भावों में कुछ थकावट दिख रही थी। अब भी वह किसी खिले हुए फूल की तरह तरुण ताजा लग रही थी। बोलो साहब जी, क्या दूं, उसने कहा। थोई एक वीज चाहिए थी। थोई क्यों, पूरी ही ले लियो जी, उसने मजाकिया अंदाज में कहा और खिलखिलाकर हंसने लगी। गणेश भी उसके साथ हंसने लगा। एक वीज दे बाबू जी को, उसने अपने नौकर को फरमाया। वह नौकर लड़का एक एक ग्राहक को सामान देने में व्यस्त था, मतलब उसे और थोड़ा समय लगने वाला था। गणेश ने अपने आसपास इर्द गिर्द एक नजर दौड़ाई, वहां और भी कुछ ग्राहक खड़े थे। उनमें से एक सात ऋण 8 साल की सूती मटमैला जगह जगह फटा और मरम्मत किया हुआ फ्रॉक पहने हुए एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी। उसने सर को काफी मात्रा में तेल लगाया हुआ था और उसकी छोटी छोटी दो चोटियां मैले रिबन से बंधी हुई थी। उसके हाथ के उंगली में रस्सी से बंधी हुई एक कांच की शीशी लटकी हुई थी। ताई, एक छताक गोतेल, वह लड़की मधुरानी की तरफ देखकर बोली। मधुरानी भी उसकी तरफ बड़े लाल प्यार से देखते हुए बोली। देती हूँ बुधिया, थोड़ा रुकियो तो, मधुरानी उसका गाल पकते हुए बोली। मधुरानी इतनी जल्दी में उसे कुछ बोली। माफा माफा केरफे गाफा वर्फ कर फिर फी थीर फी, उस लड़की ने भी कुछ जवाब दिया।
गणेश मंद मंद मुस्काते हुए सब देख सुन रहा था, लेकिन उन्होंने क्या कहा गणेश के कुछ भी समझ में नहीं आया था। क्या क्या बोले आप लोग, गणेश ने उत्सुकतावश पूछा। कुछ नहीं, वह हमारी खास बोली है जी, मधुरानी निटखटसी हंसती हुई उस लड़की का फिर से गाल पकती हुई बोली। शायद वह उनकी कोई सांकेतिक बोली थी। गणेश को याद आया उसके बचपन में भी उसकी बहनें ऐसी ही कुछ अजीब भाषा में उसके सामने बोलती थी, और उसने पूछा तो उसे कुछ एक नहीं बताती थी। उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसकी बहनों ने आखिरी तक उसे उस भाषा का राज नहीं बताया था। उस छोटे लड़की के बगल में एक धोती पहनी हुई बूढ़ी महिला खड़ी थी, और उसे लगकर एक सादी सी धोती पहनी हुई और एक शायद मुलाजिम महिला खड़ी थी। आसपास देखते हुए अनायास ही गणेश का ख्याल ऊपर आसमान की तरफ गया। काफी अंधेरा छा गया था। तभी रास्ते पर सीमेंट के पोल पर टंगे इलेक्ट्रिक दिए जल गए। गणेश ने गौर किया कि चबूतरे पर बैठे काफी लोगों ने एक हाथ से क्यों ना हो उन दियों का अभिवादन किया था। गणेश फिर से अंतर्मुख अपनी सोच श्रृंखला में लीन हो गया। उसने महसूस किया कि अब जब वह मधुरानी के सामने खड़ा था और उसकी तरफ देख नहीं रहा था, तब उसके दिल की बेचैनी थोड़ी कम सी हुई थी। ये लो साहब जी, उसकी मधुर स्वर से वह फिर से अपनी सोच से बाहर आ गया। मधुरानी ने उसके सामने लकड़ी के बक्से पर रखे वीर साबुन की तरफ देखकर गणेश जोर से हंस पड़ा। क्या हुआ जी, उसने भी हंसकर पूछा। वीर साबुन नहीं, वीर सिगरेट मांगी थी मैंने। अच्छा अच्छा साहब जी, कि हाँ ब्रिस्टोल और चारमीनार ही मिलती है। वील या क्या कहते हैं उसको, वील सी हाँ कोई ना ही इस्तेमाल करत, उसने कहा। अच्छा तो एक ब्रिस्टोल दो और एक माचिस भी देना। ए साहब जी को ब्रिस्टोल और एक माचिस दियो, उसने अपने नौकर से कहा। वह एक एक सामान के बारे में बोलती और वह नौकर सिर्फ सुन लेता था, ना हाँ कहता ना ना, लेकिन उसका बराबर ध्यान रहता था। नौकर ने ब्रिस्टोल और माचिस के बारे में सुना, लेकिन अब उसने उस छोटे बच्ची से वह कांच की शीशी ली तेल देने के लिए। अरे इनको पहले दियो, कितनी देर से खड़े है बेचारे, उसने उसे टोका। उस नौकर ने सिर्फ उसकी तरफ देखा और वह शीशी वैसे ही अपने हाथ में रखकर एक ब्रिस्टोल का पाकिट और एक माचिस लेकर गणेश के हाथ में थमा दी। एक कोने में खड़े होकर गणेश सिगरेट के दिलकश मारने लगा। तब कहा उसके जी को सुकून महसूस हो रहा था। उसके बगल में ही एक जवान लड़कों का समूह सिगरेट पीने में लगा हुआ था। अंधेरे का फायदा उठाकर वे किसी भूखे भेड़िए की तरह मधुरानी के दुकान की तरफ देख रहे थे, लेकिन गणेश उनके बगल में ही कोने में खड़ा होने से उसे सब दिखाई दे रहा था। हे राम्या जरा कनेक सुन दे रे, उनमें से एक अपने मुंह में सिगरेट पकड़कर उसे जलाने के लिए दूसरे से बोला। दूसरे ने अपने मुंह में से जलती सिगरेट उसके हाथ में थमा दी। उसने वह जलती हुई सिगरेट अपने मुंह में पकते सिगरेट के सिरे से लगाकर दो चार जोर से कश लगाकर सुलगाई और अपने दोस्त की जलती सिगरेट उसे वापस कर दी। कनेक्शन का मतलब समझकर गणेश मन ही मन मुस्कुराया। लंबे लंबे गहरे कश मारने से गणेश की सिगरेट जल्दी ही खत्म हुई। उसने जेब से दूसरी सिगरेट निकालकर उसे पहली की सहायता से सुलगाया, मतलब उन देहाती लड़कों के अनुसार कनेक्शन दिया। फिर से वह मुस्कुराया। तभी गणेश को किसी का जोर जोर से चिल्लाने का या फिर झगने का आवाज आया। उस ग्राम सेवक के माँ का, मादर दसाला, गणेश के नाम का कोई तो उद्धार कर रहा था। उसकी तो दिल की धड़कन ही तेज हो गई। पहले दिन ही उसे कोई गालियां दे रहा है, यह सुनकर वह विचलित हो गया। शायद पहले वाले ग्राम सेवक को कोई गालियां दे रहा होगा, उसने सोचा, और जिस दिशा से वह आवाजें आ रही थी उस दिशा में देखने लगा। पहले के ग्राम सेवक को ही जो भी है वह गालियां दे रहा होगा। वैसे भी पहले के ग्राम सेवक का और गांव के लोगों का कुछ खास नहीं जमता था, जो उसे आज ही पहले के ग्राम सेवक से पता चला था। उधर सामने गहरा अंधेरा था, शायद सामने उस गली के आगे सरपंच के घर के पास कोई तो झग रहा होगा। साले का हुई गवाह शुरू, रामायण बगल में खड़े लड़कों के समूह से कोई बोला। मतलब पहले के ग्राम सेवक के बारे में अब भी भला बुरा कहा जा रहा था, गणेश ने सोचा। चलो वहां जाकर तो देखते हैं क्या झमेला है। वह जिधर से गालियों का आवाज आ रहा था उस दिशा में चलने लगा। गणेश ने देखा कि एक आदमी अंधेरे में खड़े होकर ग्राम सेवक को गालियां दे रहा है। उसने जरा नजदीक जाकर देखा तो वह तो हक्का बक्का और दंग रह गया, क्योंकि वह सदा था सुबह उसका सामान उठाकर उसे सरपंच के घर ले जाने वाला सदा। उसे तो अब भी अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके बोलने के ढंग से और हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वह पीकरटून हो गया था। गणेश उसे दिखते ही उसने अपना रुख गणेश की तरफ मोड़ लिया। ई देखो ई ग्राम सेवक, खुद को कोई लाटू साहब समझता है, इसकी तो मानता एसपी स्टिंग से मुझसे सामान उठवाया। मादर दसाला उद्धरण चिन्ह, सीधे सीधे गणेश पर ही गालियों की बरसात होते देखकर पहले तो वह उलझन में पर गिदबा आ गया। उसे इस स्थिति से कैसे निपटा जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था। सदा का उस पर गालियों का हमला जारी था। नहीं अब बहुत हो चुका, गणेश का गुस्सा अब सातवें आसमान पर चलने लगा था। सदा के गालियों की तीव्रता ही इतनी थी कि कोई भी भड़क जाए। गुस्से से बेकाबू होकर गणेश अब सदा की तरफ चलने लगा। अब उसे उसके कान के नीचे लगाने की जल्दी हो गई थी। चलते हुए गुस्से से उसका पूरा बदन गर्म हो गया था। उसका चेहरा लाल लाल हो गया था, होंठ थरथरा रहे थे, हाथ पैर भी कांप रहे थे। अब वह सदा के एकदम सामने जाकर खड़ा हो गया था। फिर भी सदा के बर्ताव में कुछ तब्दीली नहीं आई, उसका जोर जोर से गालियां देना जारी ही था। गणेश ने अब अपने मन को कठोर कर ठान लिया कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस आदमी को मैं अब बहुत ढूंढूंगा। उसने अपना दाया हाथ उठा लिया और वह अब जोर से सदा के गाल पर तमाचा दे इसके पहले ही पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। उसने पलट कर देखा, वह सरपंच जी थे। गणेश राव थोड़ा इधर बगल में आइयो, सरपंच जी गणेश के कंधे पर हाथ रखकर उसे एक तरफ ले गए। अरे गणेश राव, सुबह इसने आपको मेरे घर लाया, तभी मुझे वह बात खटक गई रही।
क्यों क्या हुआ, दिनेश ने असमंजस में पूछा। ये सद्या एक बार इसने पी ली तो एका अपने ऊपर कोई काबू ना रहे है, फिर उसे कुछ समझता नहीं, फिर दिन में जिसे जिसे मिला उन सबको यह रंडवा गालियां बके है। बड़ी अजीब केस दिखती है, गणेश अपने माथे पर आया पसीना पोंछते हुए बोला। इसका कुछ बंदोबस्त क्यों नहीं लगाते हो आप लोग, वह आगे गुस्से से बोला। ठीक क्या कहते हो गणेश राव, सुबह तो बोल रहे थे बहुत सज्जन आदमी है, सरपंच उसे चेते हुए बोले। हाँ कहा तो था, लेकिन इतना भी सज्जन होगा ऐसा कभी सोचा नहीं था, गणेश जबरदस्ती हंसने की चेष्टा करते हुए बोला। सुबह काफी देर से गणेश नींद से जागा। आज गणेश को यहाँ आकर पूरे दो दिन हो गए थे। उसने आंखें मिचकाकर देखा तो सूरज की किरणें खिड़की से कमरे के अंदर झांक रही थी। बाहर भी लोगों की आवाजें आ रही थी। देर रात तक गणेश सो नहीं पाया था। कल रात भी यही हाल था। रात में रह रहकर मधुरानी की उसके दिल को आर पार करने वाली नजरें उसे सो नहीं दे रही थी। वह एकदम से उठ खड़ा हुआ और जल्दी जल्दी खिड़की के पास चला गया। खिड़की से दुकान पर बैठे मधुरानी की एक झलक दिखने के बाद कहा उसके दिल ने सुकून महसूस किया। उसका इधर ध्यान नहीं था, वह अपने काम में मग्न थी। ये मुझे क्या हो रहा है, गणेश सोचने लगा। पहले कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ था, किसी स्त्री का इतना आकर्षण, ये कुछ ठीक नहीं। शायद अपनी बीवी के विरह के कारण यह होता होगा, लेकिन क्या इसे विरह कहा जा सकता है। मुझे यहाँ आकर मुश्किल से 2 या 3 दिन तो हुए हैं। हो सकता है अपनों की कमी उनसे जुदा होने पर ही महसूस होती है। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हुए अपने बॉ के पास जाने लगा, लेकिन उसका मन खिड़की से हटने को तैयार नहीं था। भारी कदमों से वह बड़ी मुश्किल से अपने बॉ के पास चला गया। बॉ खोली, बॉ से ऊपर का सामान उठाकर बॉ के सबसे नीचे हाथ डालकर उसने अपना, बीवी का और उसके लड़के का फैमिली फोटो बाहर निकाला। फिर न जाने कितनी देर तक वह उस फोटो को बड़ी प्यार से निहारता रहा। इतनी प्यारी सी बीवी होने के बाद मेरा मन ऐसे विचलित क्यों होता है, नहीं मुझे मेरे मन पर काबू रखना जरूरी है, उसने अपना इरादा पक्का किया। गणेश नहा रहा था, अपने मन का इरादा और निर्धार पक्का करने के बाद उसे अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन यह इरादा टिकना चाहिए। नहाते वक्त उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई। ये सारा जादू मधुरानी के आंखों का और उसकी दिल को भेदने वाली नजरों का है। अगर मैंने उसकी नजरों से नजर मिलाना टाला तो कैसा रहेगा, तो शायद मेरा इरादा टिकना मुमकिन है। मुमकिन नहीं, मुझे मेरा इरादा टिकाना ही पड़ेगा। इतनी देर तक हौले हौले नहा रहे गणेश को अब जल्दी हो गई थी। अभी नहाना धोना निपटा कर मैं उसकी दुकान में जाता हूँ, यूं भी उसे घर में लगने वाली कुछ महत्वपूर्ण चीजें खरीदनी थी। उसने तय किया कि अब उसके दुकान में जाना है, कुछ सामान खरीदी करेंगे। वह अगर बोली तो उसे बात भी करूंगा, लेकिन कुछ भी हो उसकी आंखों से आंखें नहीं मिलाऊंगा। तो हो गया तय। नहाना धोना निपटा कर गणेश ने झट से कपड़े पहन लिए, दीवार पर टंगा थैला निकाला और जल्दी जल्दी निकल गया मधुरानी के दुकान पर। जाते हुए उसके मन में एक विचार आया, यह कैसी जल्दी, यह कैसी तड़प, उसकी तरफ देखने की भी तड़प और अब उसके नजरों को टालने की भी तड़प। सब कुछ कैसे अजीब ही लग रहा था। खाली थैला एक हाथ में लेकर गणेश उसकी नजरों को प्रयत्नपूर्वक टालते हुए उसके गले के सामने खड़ा हो गया। उसने उसके हाथ में थमा थैला नौकर के हवाले कर दिया। बोलो साहब जी, क्या मांगता है, मधुरानी गणेश के आंखों में आंखें डालकर बोली। गणेश उसकी गहरी नजरों से बचते हुए उसकी सर से ऊपर पीछे देखते हुए बोला, यह लिस्ट है। उसने चीजों की लिस्ट मधुरानी के हाथ में दी। साहब जी, हमने दुकान में लिस्टवा लेकर आने वाले आप पहले ही गिराए होंगे जी, उसने लिस्ट हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखते हुए कहा। फिर लिस्ट उसे वापस करते उसने कहा, तो फिर आप ही कौना जी, जोर से मैंने पढ़ा क्या या आपने पढ़ा, एक ही बात हुई गवाह। वह कागज वापस लेकर पने लगा। लक्सिक, रिनिक, चाह पत्ती सब वाशे ग्राम का 1 पॉक, शक्कर 1 किलो, अगरबत्ती 1 पॉक, अच्छा 2 जरा सुगंधित। नौकर जल्दी जल्दी सामान निकालने लगा। थोड़ा धीमे जी, उसे सामान तो निकालवा दियो, ना ही तो गड़बड़ हो जाएगी उस दिन की तरह, मधुरानी मधुर सी हंसते हुए बोली। उसके मोतीजे से सफेद दांत की तरफ देखकर वह भी हंस दिया, लेकिन वह उसकी नजरों से प्रयत्नपूर्वक बचता रहा। नौकर ने सारा सामान थैले में भरकर थैला गणेश के हाथ में थमा दिया। तभी वह सदा आ गया। गणेश ने सदा की तरफ देखकर देखा अनदेखा कर दिया। परसों की गालियां वह अब भी भूला नहीं पाया था। सदा खुद होकर गणेश के पास गया। नमस्कार साहब जी, सदा ने उसे अदब के साथ अभिनंदन किया। गणेश ने सदा की तरफ ध्यान नहीं दिया। सदा का उस रात का रूप और अभी का रूप, इसमें जमीन आसमान का अंतर था, इसलिए सदा के साथ किस तरह से पेश आया जाए गणेश को कुछ समझ नहीं रहा था। गणेश अपना सामान का थैला लेकर जाने लगा। लावो जी इधर दियो, मैं लेता हूँ थैला, सदा गणेश के हाथ से थैला लेते हुए बोला। नहीं रहने दो, लगभग उसके हाथ से थैला छीनकर लेते हुए गणेश बोला। मधुरानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। गणेश जैसे अपने कमरे की तरफ जाने लगा वैसे मधुरानी बोली, फिर फार्फा वो फोगेरफे, क्या क्या कहा, गणेश पलटकर लेकिन उसकी नजरों को टालते हुए बोला। कुछ नहीं, लगता है हमरी बोली आपको भी पटवानी पड़ेगी, मधुरानी मटक कर बोली। गणेश को उसके इस मटकने से उसकी आंखों में देखने का पलभर के लिए क्यों ना हो प्रलोभन हुआ, पर नहीं, नजरों के तीर निष्प्रभ हुए देखकर शत्रु पक्ष ने यह दूसरा हथियार इस्तेमाल करने की सोची है शायद। गणेश बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाकर सदा को टालते हुए अपने कमरे की तरफ चल दिया। रसद से भरा हुआ थैला लेकर कमरे में प्रवेश करने के बाद प्रथम गणेश ने सामने का दरवाजा बंद कर दिया। खिड़की से उसने झांक कर बाहर देखा, सदा चला गया था। उसने राहत की सांस ली, फिर उसका ध्यान मधुरानी की तरफ गया।
मधुरानी अपने काम में व्यस्त दुकान के गले पर बैठी थी। दिनेश ने खिड़की से हटकर थैला एक कोने में रख दिया। शर्ट के ऊपरी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला। उसमें से एक सिगरेट निकालकर उसने वह माचिस से सुलगाई। वह अब सिगरेट के लंबे लंबे कश भरने लगा। वह इस बात से खुश था कि उसने दुकान में मधुरानी की आंखों में आंखें डालकर एक बार भी नहीं देखा था। उसके दिल में उठी कसकभी अब उसे थमी थमी सी और ठंडी पड़ी महसूस हो रही थी। उसे उसकी नजरों के सारे तिर निष्प्रभ करने का विजयी आनंद हो रहा था। आज शुक्रवार, दिनेश को यहाँ आकर 5 दिन हुए थे। सुबह नहा धोकर वह जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगा। उसकी हर हरकत में एक उत्साह झलक रहा था, क्योंकि वह आज तालुके की जगह अपने घर वापस जा रहा था। अपने घर वापस जाकर अपने बीवी बच्चों को मिलने के मात्र कल्पना भर से उसका सारा बदन रोमांचित हो रहा था। और दूसरी खुशी की वजह यह थी कि पिछले 3 दिन से मधुरानी के बारे में अपने बहक रहे मन पर अंकुश लगाने में वह पूरी तरह कामयाब हुआ था। पिछले 3 दिनों में मधुरानी से रूबरू होने के काफी मौके आए थे, लेकिन एक बार अभी किसी से भी उसने मधुरानी के आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा था। अपने इस उपलब्धि के लिए उसे अपने बारे में बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। उसे इस बात का भी एहसास हुआ था कि पिछले कुछ दिनों से उसके मचल रहे जी ने भी अब मानो सुकून की सांस ली थी। गणेश कपड़े पहनकर लगभग तैयार हुआ था, तभी सामने का दरवाजा बजा। उसने सामने जाकर दरवाजा खोला। सामने सर पर पगड़ी जैसा कपड़ा बंधा हुआ देहाती खड़ा था। उसने नीचे धोती और ऊपर कपड़े से बना हुआ बनियान पहना था। गणेश ने उसकी तरफ प्रश्नार्थक मुद्रा में देखा। मालिक सामान उठाने के लिए भेज रहत गणेश की मुद्रा देखकर उस देहाती ने कहा। किसने? सरपंच जी ने। जी, उसने कहा। गणेश दरवाजे से हटते ही वह देहाती अंदर घुस गया। गणेश ने कोने में रखे अपने बॉ की तरफ निर्देश करते हुए कहा। वह उतनी एक ही बॉग है, वह लेकर तुम आगे निकलो, मैं बस पीछे से आया। जी। उसने सर को बंधा हुआ कपा छोड़ा। वह कपा लपेटकर उसका गोलाकर बनाया और अपने सर पर रख दिया। फिर बॉग उठाकर उसने अपने सर के ऊपर उस गोलाकर बने लपेटे हुए कपड़े पर रख दी। वह बॉग लेकर दरवाजे से बाहर जाने लगा। तब गणेश ने कहा, अरे जरा संभाल कर भाई, नहीं तो ऊपर लगेगा। वह नौकर दरवाजे से जाते हुए थोड़ा झुका और बॉग लेकर बाहर चला गया। उसके जाते ही गणेश ने दरवाजा बंद कर दिया। गणेश ने कमरे से बाहर आकर दरवाजे को ताला लगाया। उसके चेहरे से और उसके हर एक हरकत से उत्साह उमड़ रहा था। चलो अब एक बार बस स्टॉप पर जाने से पहले एक सिगरेट पीते हैं, उसने सोचा। दरवाजे को ताला लगाकर वह मधुरानी के दुकान में चला गया। अब तो उसे मधुरानी की नजरों से बचने की मानो आदत सी हो गई थी। एक ब्रिस्टॉल, उसने 1 रुपए का सिक्का मधुरानी के सामने रखे गले पर रखते हुए कहा। आज मधुरानी कुछ भी नहीं बोली, नहीं तो हर बार गणेश से वह कुछ ना कुछ बोलती थी। गणेश को पता नहीं क्यों अपराधी जैसे लगने लगा। मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, या फिर उसका दिल तो दुखाया नहीं? फिर वह आज क्यों नहीं बोली? कहीं मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो गई? या फिर मैं घर जा रहा हूँ इसकी वजह से वह दुख की तो नहीं महसूस कर रही है? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा, मैं फालतू ही जरा ज्यादा ही सोच रहा हूँ, और उसने बोलना ही चाहिए ऐसा थोड़ी है। आज नहीं होगा बेचारी का मूड, यह तो मेरी जबरदस्ती ही हो गई। उसने एक साथ अपने मन में भिड़कते विचारों को झटकने की कोशिश की। मधुरानी ने चुपचाप अपने पीछे रॉक में रखा ब्रिस्टॉल का पैकेट निकाला और उसे खोलकर उसमें से एक सिगरेट निकालते हुए गणेश के हाथ में थमा दी। अचानक गणेश ने चौंककर उसकी तरफ देखा। सिगरेट के अलावा और भी किसी चीज का एहसास गणेश के हाथ को हुआ था। जब वह संभला तब उसे एहसास हुआ कि मधुरानी ने गणेश के हाथ पर सिगरेट थमाते हुए जानबूझकर हल्के से उसका हाथ दबाया था, या फिर गलती से दब गया था। यह जानने के लिए ही उसने उसकी तरफ देखा था। उसकी चेहरे पर एक मादक घायल करने वाली रहस्यमय और उतनी ही अर्थपूर्ण हंसी फैली हुई थी। गणेश उसकी उत्कट नजरों में उलझ गया था। उसका उसकी आंखों में आंखें ना डालने का दृढ़ संकल्प किसी अत्तर की तरह हवा में उड़ गया था। उसका दिल जोर जोर से धकने लगा। एक ही पल में सारा बदन पसीने से लथपथ हो गया। थकबदाकर उसने सिगरेट ली और वह बस स्टॉप की दिशा में चलने लगा। उसको चलते हुए एक एक कदम आगे डालना भी बड़ा भारी महसूस हो रहा था। उसका एक मन कर रहा था कि घर जाना रद्द कर दूं, लेकिन नहीं, सरपंच के नौकर ने अपना सामान आगे ले जाकर बस स्टॉप पर रखा था। अब अगर मैं जाना रद्द करता हूं तो न जाने किसी को कुछ शक होगा। वह वैसे ही भारी पैर से चलते हुए नुक्कड़ तक चलता रहा। नुक्कड़ से मुड़ते हुए कितना भी अपने मन को नियंत्रित करने के कोशिश के बावजूद उसने मुड़कर एक बार मधुरानी की तरफ देखा। वह भी आमंत्रित करती हुई निगाहों से उसे देख रही थी। उसकी नजरों में जुदाई का गम और एक अदृश्य आकर्षित करने वाली शक्ति थी। भारी मन से वह बस स्टॉप की तरफ निकल पड़ा। अब मुड़कर देखा भी तो वह दिखने वाली नहीं थी। फिर अभी उसने मुड़कर देखा, वह उसको नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने महसूस किया कि वह उसके साथ साथ आ रही थी। दिल के किसी कोने में घर बनाती हुई बस में धुला रही थी तो कभी बस उबड़ खाबड़ रस्ते के वजह से हिल रही थी। बस में काफी भीड़ थी और वह लोगों की फालतू बकबक बस घाटी से चल रही थी और उसकी वजह से किसी का भी जी मचलना लाजमी था। लेकिन आज गणेश को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसके हाथ के स्पर्श से ही यह हाल है तो आगे क्या होने वाला है भगवान जाने। स्पष्ट है कि वह मुझे उकसा रही है, मतलब सिर्फ मुझे ही, उसके बारे में कुछ लगता नहीं तो उसे भी मेरे बारे में कुछ लगता है। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। खट खट, गणेश को कुछ बजे जैसा एहसास हुआ, लेकिन उसने उधर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे अपने सपने से जगना नहीं था। फिर से खट खट आवाज आ गया। इस बार उसे किसी ने हिलाया भी। तब कहा उसने होश में आकर देखा, वह कंडक्टर था। टिकट, वह फिर से खट खट बजाता हुआ बोला। जी हाँ हाँ, गणेश ने हड़बड़ाकर जेब में हाथ डाला।
एक पांच की नोट निकालकर कंडक्टर के हाथ में थमाते हुए बोला, एक उजनी दो। भाई साहब गाड़ी उजनी से ही निकली है। कंडक्टर हंसता हुआ बोला, नहीं मतलब एक तालुके के लिए टिकट दो। गणेश अपनी जेब छिपाते हुए बोला, काफी बार इस गाड़ी पर यही कंडक्टर रहता था। दिनेश को किसी ने बताया था कि उसका गांव इसी बस के रस्ते में ही कहीं था और इसलिए वह यही गाड़ी पर हमेशा ड्यूटी लेता था। अपने गांव में सुबह या शाम अक्सर गाड़ी रोककर वह अपना टिफिन कलेक्ट करता था। वह अपने गांव गाड़ी जरा ज्यादा ही समय के लिए रोकता था। टिफिन लेने के बहाने दो चार इधर उधर की बातें भी होती थी। खट खट बजाते हुए उसने टिकट काटा और गणेश के हाथ में थमाकर वह फिर से खट खट बजाते हुए आगे निकल गया। गणेश ने वह टिकट अपनी शर्ट के ऊपरी जेब में रख दिया और फिर से वह खिड़की से बाहर देखते हुए अपने सपनों में लीन हो गया। साहब उठो, सो तो नहीं गए? किसी के आवाज से गणेश हड़बड़ाकर उठ गया। उसके कंधे को पकड़कर उसे कोई झंझोर रहा था। गणेश ने संभ्रम से इधर उधर देखा तो गाड़ी में बैठे सारे लोग उतर गए थे। गाड़ी बस अड्डे में प्रवेश कर चुकी थी और वह अकेला अब भी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसे बस कंडक्टर ने जगाया था। कंडक्टर तुच्छता से उसकी तरफ देख रहा था। गणेश को अब शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। अपने चेहरे के भाव छिपाकर उसने ऊपर से अपनी बॉग निकाली और बस से नीचे उतरने लगा। जब से मधुरानी का मादक स्पर्श उसे हुआ था, नहीं जरूर उसने वह जानबूझकर किया होगा, नहीं तो वह मधुर सी मुस्कुराती नहीं थी। तब से गणेश लगभग हवा में उड़ रहा था। उसके दुकान से कब वह भारी पैर से बस स्टॉप आया, कब बस आई, कब वह बस में चढ़ गया और कब तालुके के बस अड्डे में पहुंच गई, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसकी मधुर हंसी, उसके कोमल स्पर्श की कसक और उसकी पी लेने वाली नजर, सब कुछ जैसे अभी अभी घटित हो गया हो ऐसा उसे लग रहा था। और वह सब उसकी नजरों के सामने से हटते नहीं हट रहा था। गणेश बस से नीचे उतर गया, उसके पीछे कंडक्टर भी उतर गया। बस अच्छा ड्राइवर उतरकर कंडक्टर की राह देखते हुए पिछले दरवाजे के पास खड़ा था। कंडक्टर ने उतरने बाद गणेश को थोड़ा और आगे जाने दिया और दबे स्वर में गणेश की तरफ इशारा कर चेक ड्राइवर से कहा, यह नहीं है, सारी बस खाली हो गई और देखता हूँ तो ये जनाब खिड़की के बाहर देखते हुए बैठे हुए थे। ड्राइवर गणेश की तरफ देखकर व्यंगपूर्वक हंस दिया। गणेश को उनका संवाद सब सुनाई दे रहा था लेकिन उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए वह अपनी बॉग लेकर वहां से चलता बना। गणेश तालुके के जगह अपने घर आया। घर में बीवी थी और एक सलोना लड़का था, लेकिन उसका मन उधर ही गांव में अटका हुआ था, मधुरानी के पास। कब एक बार वापस जाकर मधुरानी के पास जाता हूँ ऐसा उसे हो गया था। बीच में छुट्टियां थी इसलिए, नहीं तो कब का वह उजनी को जाकर पहुंचा होता। और छुट्टियों के दिन जाओ तो किसी को शक भी हो सकता है। छुट्टियों के दो दिन उसे दो महीने जैसे लंबे महसूस हो रहे थे। उसने अपना सामान पहले से ही बांध कर रख दिया था, उतना ही समय बीत जाएगा। यह सोचकर जितना अधीर होकर मैं उजनी को जाने की राह देख रहा हूँ, उतनी ही अधीरता से, शायद उससे भी ज्यादा अधीरता से मधुरानी भी मेरी राह देख रही होगी, उसने सोचा। आखिर अपने मन में जो उथल पुथल चल रही होती है, आदमी को वह भावनाएं जाहिर किए बिना चैन नहीं आता है। और इसलिए ही मधुरानी ने इशारे से क्यों ना हो अपनी भावनाएं जाहिर की थी। शायद जब से मेरा और उसका सामना हुआ तब से ही उसने मुझे अपने मन में जगह दी थी, नहीं तो तब से ही उसकी नजरों में इतनी उत्कटता मुझे महसूस नहीं होती कि जिसकी वजह से मैं भी उसकी तरफ खींचता चला गया। उसका इस तरह मुझ पर मरना और इतने लोग छोड़कर उसका मेरा ही चुनाव करना, इसका मतलब मुझ में भी कुछ तो खासियत होगी। उसे अपने खुद के बारे में गर्व महसूस हो रहा था। वह कुछ भी हो उसने भी अपना हृदय मेरे सामने खोल दिया, यह सबसे महत्वपूर्ण, नहीं तो मैं ही उसके पीछे किसी लंपट की तरह घूम रहा हूँ। यह कुछ अच्छा नहीं दिखता था। आखिर वह दिन आ गया, सोमवार, जिस दिन की गणेश बड़े बेसब्री से राह देख रहा था। आज भी गणेश को उजनी तक का सफर बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। पूरे सफर के दौरान उसे अपनी दोनों बाहें फैलाई हुई और उसका बेसब्री से इंतजार कर रही मधुरानी ही आंखों के सामने बार बार दिख रही थी। बस में उसके बगल में कौन बैठा हुआ है? बस में बैठे बाकी मुसाफिर क्या कर रहे हैं? खिड़की के बाहर क्या नजारा दिख रहा है? उसे किसी बात का होश नहीं था। ब्रेक लगने से बस छक्का देकर रुक गई। उजनी आ गई थी। गणेश के चेहरे पर मुस्कुराहट झलकने लगी। आज बॉग लेकर भीड़ में सबसे पहले उतरने की जल्दी गणेश को ही हुई थी और उसके लिए वह जी जान से प्रयास कर रहा था। किसी तरह वह बस से उतर गया, या यूं कहा जाए कि भीड़ ने ही उसे बाहर का रास्ता दिखाया था। बाहर आए बराबर उसने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई। हो सकता है मधुरानी भी बस स्टॉप पर बेसब्री से मेरा रास्ता तकते हुए खड़ी हो। देखो मैं भी कितना पागल हूँ, भला वह कैसे आएगी यहाँ? मेरा आने का दिन उसे कैसे मालूम होगा? उसको ना पाकर उसने अपने आप को समझाया। तभी उसे सदा उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। गणेश ने झुक से उसे देखा, अनदेखा कर दिया। अरे गणेश राव जी, मैंने तो पहचाना ही नहीं, ही सदा उसके सामने आकर बोला। गणेश उसे टालने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ने लगा। ये क्या साहब, किसी कचरे के ढेर से सोकर उठे जैसे लगाई देवत है, सदा गणेश के पीछे पीछे चलते हुए बोला। उसके बोलने से गणेश के ख्याल में आया था कि किसी गधे की तरह कचरे के ढेर से सोकर उठे जैसे लग रहे हैं आप, पहले वह ऐसे बोलने वाला था लेकिन उसने गधे की तरह यह शब्द जुबा पर लाने से पहले ही झट से निगल लिया था। गणेश ने रुककर अपने कपड़े की तरफ देखा। फिर से सबसे पहले बाहर आने की चेष्टा में उसके सारे कपड़े मसल से गए थे और खिड़की से आने वाले धूल से वह मलिन हो गए थे। इस बार धूल से बचने का होश कहाँ था उसे? उसने अपने बालों से हाथ फेरते हुए अपने उलझे हुए बाल फिट करने की कोशिश की। अब ऐसे हाल में मधुरानी के सामने जाना, उसे अपने आप की ही शर्म महसूस हो रही थी। इधर लाइयों साहब जी, बहुत थक गए रहत, ठीक है मैं हूँ ना,
सामान उठाई के वास्ते सजा ने कहा। नहीं, रहने दो, बोलते हुए गणेश जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए निकल पड़ा मधुरानी की दुकान की तरफ। उसे कब एक बार मैं मधुरानी को अपनी नजरों से पी लेता हूँ ऐसा हो गया था। सामने दीवार का कोना जैसे गणेश को दिखने लगा, उसके दिल की धड़कने तेज होने लगी। बस वह कोना पार करने के बाद मुझे मधुरानी दिखाई देंगी। वह जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगा। सदा अब भी उसके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन गणेश को ना सदा के अस्तित्व का होश था ना रास्ते में दिख रहे लोगों का। गणेश मधुरानी की बस एक निर्भर के लिए मानो तरस रहा था। आखिर वह क्षण आ गया। कोना पार करते ही गणेश को गले पर बैठी हुई मधुरानी दिखने लगी। वह अपने काम में व्यस्त थी। कब वह अपनी तरफ नजर भर देखती है और कब मैं उसकी शराबी नजरों में डूब जाता हूँ ऐसा गणेश को होने लगा था। वह मधुरानी के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। बोलो गणेश राव जी, क्या लेवेंगे? सिगारेट? मधुरानी ने एकदम सहजता से गणेश की तरफ देखकर पूछा। गणेश को अपने मन ही मन में बन रहा मकान मानो ताश के पत्तों की तरह ढह गया ऐसा महसूस होने लगा था। वह उससे एकदम किसी अजनबी की तरह पेश आ गई थी जिसकी गणेश को बिल्कुल आशा नहीं थी। उस दिन जिस तरह से उसने उसे जाते हुए रुखसत किया था, कम से कम उससे तो उसे उसका ऐसा रुखा रुखा व्यवहार अपेक्षित नहीं था। गणेश लगभग हक्का बक्का सा रह गया था। जो कुछ भी हो रहा था वह सब उसे अपेक्षित नहीं था। उसे शर्म और अपमान के मारे ऐसा लग रहा था कि उसके पैर के नीचे की जमीन फटकर उसे अपने में समा ले। उसका चेहरा अपमान के मारे एकदम उतर गया था। उसे क्या बोला जाए कुछ सूझ नहीं रहा था। नहीं, एक लक्ष चाहिए थी, वह कुछ तो बोलना है ऐसे बोला। उसके कमरे में दो लक्ष साबुन पड़े हुए थे, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि उसे कुछ तो खरीदना ही था। या बिल्दू, मधुरानी किसी पहले मजेदार अवसर का संदर्भ देते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। गणेश भी किसी तरह जबरदस्ती हंसने लगा। मेरे उतरे हुए चेहरे को देखकर कहीं ये मेरी खिल्ली तो नहीं उड़ा रही है। डॉट डॉट, उसे लगा। मधुरानी ने एक लक्ष साबुन निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। उसके हाथ में सिरहन दौड़ गई। उसकी अपेक्षा थी कि मधुरानी उसके हाथ को छुएगी, लेकिन इस बार मानो उसने जानबूझकर हाथ का कोई स्पर्श न हो इसका ख्याल रखते हुए साबुन ऊपर से ही उसके हाथ में रख दी। उसका घोर अपेक्षा भंग हुआ था। उसने जेब से पैसे निकलकर चुका दिए और निराश चेहरे से अपने कमरे की तरफ बने लगा। तभी पीछे से मधुर स्वर गुंजा, दो ही दिन कहाँ गांव गए रहत, बहुत खाली खाली लगाई रहा आपके बगैर। गणेश ने पलटकर मधुरानी की तरफ देखा। उसका चेहरा खुशी से दमकने लगा था। मधुरानी के कटाक्ष में फिर से वह जानलेवा भाव तैरने लगे थे। उसे लगा फिर से पलटकर उसकी तरफ जाऊं, लेकिन नहीं, वह अच्छा नहीं दिखेगा। वह अब नए उत्साह के साथ अपने कमरे की तरफ बने लगा। जाते हुए वह सोचने लगा, मैं भी कितना पागल हूँ, यहाँ इतने सारे लोगों के सामने मधुरानी कैसे अपने मन के भाव व्यक्त करती। लेकिन उसने कम से कम हल्का सा क्यों ना हो अपने हाथ का स्पर्श मुझे करना चाहिए था। डॉट, लेकिन जाते हुए उसने फिर से इशारा तो किया ही ना। उसे दो दिन से मेरे अनुपस्थिति का एहसास हुआ था, इसका मतलब उसके मन में मेरे लिए कुछ तो जरूर है। गणेश ऑफिस में बैठा था। ऑफिस में गाँव के लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। ऑफिस में काम से आने वालों से बिना काम के मिस्तमौला ही ज्यादा जमा हो गए थे। कोई ऑफिस के सामने चबूतरे पर बैठकर तंबाकू मसल रहा था तो कोई चिलम फूक रहा था। ऑफिस में ग्राम पंचायत के ग्राउंड से एक बदासा रेडियो खरीदा गया था और वह रेडियो शुरू कर लोग बीच बीच में कभी खबरें सुनते तो कभी गीत संगीत सुनते। बुधवार को रात 8 का वक्त गांव के जवान लड़कों ने बुक करके रखा था, क्योंकि उस वक्त वे बिना का गीतमाला के अलावा किसी को कुछ भी सुनने नहीं देते थे। तो आज भी कुछ लोगों ने खबरें सुनने के लिए चबूतरे पर भीड़ लगा रखी थी। और गणेश का ऑफिस मतलब वही हॉल के कोने में एक को सककर एक ऐसे लगाए तीन टेबल रखे गए थे और उन टेबलों के पीछे दो कुर्सियां रखी गई थी। उसमें एकदम कोने वाली कुर्सी पर गणेश बैठा था। गणेश के टेबल के सामने दो लोग खड़े थे, उसमें का एक एकदम अनपढ़ देहाती था। उसने गणेश से पूछा, बोलो क्या चाहिए? साहिब, वह 7 × 11 या क्या बोलते हैं उसको, वो चाहिए जी, वह देहाती बोला। 7 × 12, गणेश ने उसकी गलती दुरुस्त की। हाँ जी, वही, वह देहाती अपनी गलती दुरुस्त की गई देखकर खुशी से बोला। पुराना 7 × 12 या उसकी कापी है क्या? उस देहाती ने प्रश्नार्थक मुद्रा में पहले गणेश की तरफ और फिर उसके बगल में खड़े युवक की तरफ, जिसकी उम्र लगभग 20 साल होगी, उसकी तरफ देखा। आपका नाम बोलो, गणेश ने उससे पूछा। गणपत सदोबा खोत, उस देहाती ने अपना नाम बताया। गणेश ने टेबल पर उसके सामने रखे एक रजिस्टर पर वह लिख लिया। सबे नंबर मालूम है क्या? फिर से उस देहाती ने प्रश्नार्थक मुद्रा में पहले गणेश की तरफ और फिर उसके बगल में खड़े उस युवक की तरफ देखा। तुम लोगों की यही तो परेशानी है, पुराना 7 × 12 नहीं, सबे नंबर मालूम नहीं, तुम्हारा नाम तुम्हें पता है। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, सिर्फ नाम से रिकॉर्ड ढूंढने को काफी वक्त लगेगा। अगले सोमवार को आवो, गणेश चिक बोला। अगर जल्दी होवेगा तो देखो ना साहब, वह बड़ा हीन दीन होकर विनती करने लगा। अच्छा अच्छा, गुरुवार को आकर देखो, गणेश उसे टालने की कोशिश करते हुए बोला। वह देहाती हाथ जोड़ते हुए निकल गया। हम तुम्हें क्या चाहिए, वहां खड़े युवक से गणेश ने पूछा। हमरी और हमरे चाचा का बंटवारे का झगड़ा है, वो कैसे मिटाना है ये पूछने के लिए आई गवा। उस लड़के को गणेश ने काफी बार मधुरानी के दुकान में आते हुए देखा था। गणेश ऑफिस का काम तो कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में लगातार मधुरानी के बारे में ही विचार चलते रहते थे, मानो कानों के इर्द गिर्द लगातार कोई मधुमक्खी गुनगुनाती रहती। बैठो, गणेश ने सामने कुर्सी की ओर इशारा कर उसे बैठने के लिए कहा। तभी वह पहले आकर गया देहाती वापस आ गया। अब क्या है, गणेश ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे पूछा। ना ही वो अपने काम का कितना खर्चा आवेगा,
उस देहाती ने दबे स्वर में पूछा। क्यों तुम्हें पता नहीं? उस देहाती ने अपनी अनभिज्ञता जताते हुए सर हिलाया। बाहर चबूतरे पर पांडु बैठा है उसे पूछो। गणेश उस देहाती की तरफ ध्यान ना देते हुए उसकी तरफ ना देखते हुए ही बोला। जी उस देहाती ने कहा। साहब ने कुर्सी पर बैठने के लिए कहा तो है लेकिन मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? ऐसे आविर्भाव में वह लड़का कभी कुर्सी की तरफ तो कभी गणेश की तरफ देखते हुए कुर्सी के पास खड़ा रहा। अरे बैठो तो, गणेश ने उसे फिर से बैठने के लिए कहा। वह शर्माते हुए कुर्सी पर बैठ गया। वह देहाती आश्चर्य से कभी उस कुर्सी पर बैठे लड़के की तरफ देखता तो कभी गणेश की तरफ देखता। गणेश ने आंखों के कोने से उस देहाती को बाहर जाते हुए देखा और फिर उस लड़के से असली बात छेद दी। तुझे मधुरानी के दुकान में बहुत बार देखा है मैंने। हाँ जी, दो सामान लेने के वास्ते जाना पड़े है। दुकान नजदीक रही ना? वह शर्माकर बोला। बहुत लड़के इकट्ठे होते हैं वहाँ शाम को। आखिर माजरा क्या है? गणेश असली मुद्दे के आसपास की बातें पता करने की कोशिश करते हुए बोला। फिर अभी उसका असली उद्देश्य मधुरानी के बारे में जानना यही था। कुछ ना ही साहब, बिड़ी सिगरेट फूंकने के वास्ते इकट्ठे हुवत है। कुछ काम धाम ना ही सालों के पास। फिर क्या करेंगे जी? वह बोला। झूठ मत बोलियो, गणेश मुस्कुराते हुए बोला। हुई क्या है साहब जी? जहां मिठाई हुए वहां मक्खियां तो इकट्ठा होवेगी ही। वह एक आंख छोटी करते हुए बोला। अच्छा मतलब तुम भी? नाही साहब जी, मैं अपना बाकी लड़के इकट्ठा हुए है इसलिए जाता हूँ जी। वहा अच्छा मैं समझ रहा हूँ, गणेश मुस्कुराते हुए उसकी तरफ एकटक देखते हुए बोला। वह शर्माकर इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा। तभी एक गवार लड़का अंदर आ गया। गणेश ने उसकी तरफ बुरा सा मुंह करके देखा क्योंकि उसे सामने कुर्सी पर बैठे लड़के से और सवाल करने थे और तब तक उसे वहाँ कोई और नहीं चाहिए था। लेकिन वह गवार लड़का बेशर्मी से वही खड़ा की खड़ा ही रहा। लेकिन उसके घर और कोई नहीं है, हमेशा मुझे तो वही गले पर बैठी हुई दिखती है। गणेश को लगा कि नाम ना लेते हुए मधुरानी के बारे में पूछा तो उस गवार के क्या ख्याल में आने वाला है। ससुर हुए है ना जी, लेकिन वो तो दारू पीकर इधर उधर पड़ा रहत है, वह गवार लड़का बोला। और उसका पति? गणेश ने अपनी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। उसका आदमी मर गया साहब जी, शादी होने के एक साल के अंदर ही मर गवा बेचारा। कौन करता है मर गवा? मारा है उसे पाटिल ने, वह गवार लड़का गणेश के टेबल के और पास आते हुए बोला। ए भे क्या कोटमा साबित किया रहत पाटिल ने, कुर्सी पर बैठा लड़का आवेश में आकर खड़ा होते हुए बोला। कोटमा बहुत पहचान है पाटिल की, वहाँ तो पैसे देकर किसी मरे हुए को जिंदा कर सकता है। उद्धरण चैन ए फुकनी के मुँह में आया सो मत बिकियो, दोनों में अब काफी तू तू मैं होने को थी। गणेश बीच में पड़ गया। ए तुम पहले बाहर निकलो, इसका काम होने दे फिर तुम अंदर आना। गणेश ने उस गवार लड़के को बाहर निकाल दिया। वह गंदी गंदी गालियां देते हुए बीच बीच में मुड़कर पीछे देखते हुए बाहर चला गया। फिर गणेश ने उस लड़के से मधुरानी की जितनी मुमकिन थी उतनी जानकारी निकाल ली। बेचारी मधुरानी, पति शादी होने के बाद एक साल के अंदर ही गुजर गया, बेचारी का नसीब और क्या, उस पर क्या बीतती होगी। गणेश को उसके बारे में अब सहानुभूति होने लगी थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे गणेश का अपनी खिड़की से मधुरानी की तरफ देखना दिन ब दिन बढ़ रहा था। मधुरानी भी इधर गणेश खिड़की में आने पर उधर से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती। उसका उसके दुकान में भी आना जाना बढ़ गया था। पहले पहले कुछ लेने का बहाना बनाकर वह उसके दुकान में जाता था लेकिन अब तो उसको जाने के लिए किसी बहाने की भी जरूरत महसूस नहीं होती थी। सुपारी तोना सुतली सुई धागा जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए भी वह बेझिझक दुकान पर जाता था। मधुरानी भी खुशी से उसे जो भी चाहिए वह देने के लिए तत्पर ही रहती। चीजें देते लेते वक्त वह अपने कोमल हाथों का हल्का सा भी क्यों ना हो स्पर्श करने से नहीं चूकती थी। धीरे धीरे गणेश का भी धाड़स बढ़ रहा था, वह भी उसका स्पर्श पाने के फिराक में ही रहता था। आजकल तो मधुरानी का कोमल स्पर्श हुए बिना और उसकी गहरी नजरों में डूबकर मधुशी का आनंद लेने के बिना उसके दिन का प्रारंभ नहीं होता था। उसने भी अब सोच लिया था कि इतने दूर इतने दुर्गम देहाती इलाके में उतना ही उसका दिल लगा रहेगा। और वह बेचारी भी भला क्या करती, उसकी उम्र ही ऐसी थी और ऊपर से वह बेईमान जवानी और तो और उसका अकेला सहारा उसका पति भी गुजर गया था। एक दिन उसने उसे अपनी गुप्त बोली का रहस्य भी बता दिया। मैफे तुर्फुमर पफरस प्रेर फेमस करफरस फतीरफी हुरफू, देखियो तो समझता है क्या, उसने कहा। नहीं तो, कुछ भी नहीं समझ रहा है, कोई तेलुगु बोली जैसी बोली लगती है, वह अपने दिमाग पर जोर देकर समझने की कोशिश करता हुआ बोला। उद्धरण चिन्ह बहुत सादा जी है, उसमें से सिर्फ अफ अफू अफा अफे निकाल दो, बस हो ही गया, बस इतना सरल है, उसने कहा। अब फिर से तो बोलो एक बार तुमने क्या कहा था, गणेश ने फिर से पूछा। मैं फिर तुर्फुमर फसफे प्रेर फेमस करफर फकीर फी हुरफू, उसने फिर से दोहराया। मैं तुमसे आगे क्या बोला था, एक बार बोलो तो, और थोड़ा धीरे बोलो, गणेश वाक्य की जोड़ तोड़ करने की कोशिश करते हुए बोला। मैं फिर तुर्फुमर फसफे प्रेर फेमस करफर फकीर फी हुरफू, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मतलब मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, बराबर है ना? हाजी एकदम सही, उसने क्या कहा यह गणेश को समझा था लेकिन उसका मतलब समझने को थोड़ा समय लगा। मतलब समझते ही उसका चेहरा शर्म के मारे लाल लाल हो गया था। देखो जी देखो कैसे शर्मा रहत है, ऐसे क्या शर्माते हो जी, मैंने तो बस मिसाल दी थी, मधुरानी ने कहा। इतना आसान, लेकिन इतनी आसान होकर अभी यह बोली बाकी लोगों को क्यों नहीं समझती है, गणेश अपने चेहरे से शर्म के और झिप के भाव छिपाने की कोशिश करता हुआ बोला। क्योंकि उका और एक राज है, यह बोली बहुत फास्ट बोलनी पड़ती है,
ताकि सुनने वाला समझ ना पावे। हाँ तुम ठीक कहती हो, उसने कहा। एक दिन शाम को गणेश काफी थका हुआ था और बेड पर लेटकर आराम कर रहा था। आज उसे पास ही एक देहात में जाना पड़ा था। वहां जाने के लिए बस नहीं थी, इसलिए सरपंच जी ने उसे जाने के लिए बैलगाड़ी का इंतजाम किया था। गणेश को बैलगाड़ी से सफर करने की आदत नहीं थी। रास्ता उबड़ खाबड़ होने से उसके बदन का एक एक पुर्जा दर्द कर रहा था। सफर में उसके साथ दो हम सफर होने से उसे सफर में उतनी दिक्कत नहीं हुई। एक था आसपास के गांवों में घूमकर मोटर पंप पंखे इनकी मरम्मत करने वाला मैकेनिक का काम करने वाला बबन, और दूसरा था येरा। उसका नाम क्या था पता नहीं, लेकिन लोग उसे उसके संग की बर्ताव से येरा ही कहते थे। सफर के दौरान बबन के साथ गप्पे मारते हुए वक्त अच्छा बिता था। येरे से तो बातें करने की कोई अपेक्षा ही नहीं थी, बीच बीच में वे उसकी मजाक भी उड़ाते थे। पैर पर लेते लेते गणेश को बैलगाड़ी मैन का एक किस्सा याद आ गया और उसके चेहरे पर हंसी आ गई। बैलगाड़ी में पीछे तीन लोग बैठे थे और गाड़ीवान गाड़ी हाँक रहा था। गाड़ी के धक्कों से बचने के लिए पीछे बैठने के लिए सूखी घास फैलाई थी। उसका दूसरा उद्देश्य ये भी था कि रास्ते में बैलों को खाने के लिए भी वह घास भी काम में आ सकती थी। इस गाड़ी के धक्कों से तो आदमी के सारे नट बोल्ट ढीले हो जाएंगे, बबन गाड़ी का पहिया एक बड़े पत्थर पर से गुजरने के बाद बड़े धक्के से संभरते हुए बोला। अपने मैकेनिक के पेशे के अनुसार उसने एकदम बराबर मिसाल दी थी। गणेश येरे की तरफ इशारा करते हुए मजाक में बोला, वैसे इस येरे के नट बोल्ट होकर कितने ढीले होने वाले हैं, क्योंकि उसके नट बोल्ट तो पहले से ही ढीले हैं। बबन गणेश को ताली देकर जोर जोर से हंसने लगा था, और फिर उसकी हंसी रोके नहीं रुक रही थी। काफी देर तक वह पेट पक पक लोटपोट होकर हंसता रहा। पैर पर लेते लेते गणेश अपनी विचारों की श्रृंखला से बाहर आ गया। बाहर कोई अजीब सी आवाजें आ रही थी। उसने लेते लेते ही करवट बदल कर खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बाहर काफी अंधेरा हो गया था, 7:30-8 बजे होंगे। वह बाहर क्या माजरा चल रहा है ध्यान देकर सुनने की कोशिश करने लगा। बो 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 बो, एक आदमी का कर्कश आवाज आ गया। ओ एच ना ना ना, उसके पीछे ही तुरंत एक स्त्री का कर्कश आवाज आ गया। गणेश करवट बदल कर फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन वे अजीब सी आवाजें बार बार आने लगी थी, मानो कोई झग रहा हो। बीच में ही मधुरानी का जोर से ठहाका लगाकर हंसने का आवाज आ गया। अब गणेश अपने आप को रोक नहीं सका, वह उठकर बैठ गया। बाहर क्या चल रहा है यह पता करने की उसे उत्कंठा होने लगी थी। तुरंत उठकर कपड़े बदलकर वह कमरे से बाहर निकल गया। बाहर गणेश ने देखा कि एक 21-22 साल का जवान लड़का और 18-19 साल की जवान लड़की एक दूसरे से झग रहे थे। जिस तरह से वे झग रहे थे उससे सा लग रहा था कि वे दोनों भी गुंगे हो। उनका झगड़ा देखकर पल भर के लिए गणेश भी मन ही मन मुस्कुराया। उसने मधुरानी के दुकान की तरफ देखा, वह अभी भी वह झगड़ा देखकर हंस रही थी। वह देखकर गणेश भी अपने आप को उसकी दुकान की तरफ जाने से नहीं रोक सका। गणेश राव, देखो यो तो गुंगे कैसे झगत रहे, दुई गुंगे झगते पहले कभी देखा है जी, गणेश को देखकर वह बोली। नहीं पहली बार देख रहा हूँ, गणेश ने उसके हंसी में अपनी हंसी मिलाते हुए जवाब दिया। पता है क्यों झग रहत, गणेश ने उसकी तरफ प्रश्नार्थक मुद्रा में देखा। बउई क्या हुई गवाकी, ई गुंगा जा रहा था लोटा लेकर उधर आदमियों के श्रौच की खुली जगह की तरफ, और गुंगी जा रही उधर औरतों की श्रौच की खुली जगह की तरफ। अंधेरे में दोनों की टक्कर हुई गवा, और दोनों के पानी के लोटे उंडेल गए रहत। मधुरानी गणेश की ताली लेकर फिर से जोर से हंसने लगी। गणेश भी जोर से हंसने लगा। आज काफी देर तक गणेश और मधुरानी गप्पे मारते हुए बैठे थे, तभी एक आदमी जल्दी जल्दी मधुरानी के पास आ गया। उसकी सांस फूली हुई थी और वह बोलने लगा, जरा हौले, पहले अपना फूली हुई सांस तो ठीक कराई लियो और फिर बोलियो। मैं यही हूँ, मैं कहीं भाग जाने वाली नहीं, मधुरानी उस आदमी से मजाक में बोली। उसने रुककर गणेश की तरफ देखकर अपना फूली हुई सांस ठीक की और जेब से चाबी निकालकर मधुरानी को देते हुए वह बोला, ई लो 15 गोनी हुई गवा, और तुमने गोदाम में रखवा दिए रहत। वह चाबी मधुरानी के हाथ में थमाते हुए बोला। मधुरानी ने कुछ काम का बहाना बनाते हुए दूसरी तरफ मुड़कर कुछ ढूंढने लगी, और उधर ही मुंह रखते हुए उसे बोली, रखियो वहां गले पर। उस आदमी ने मुरझे हुए चेहरे से वह चाबी सामने गले पर रख दी। मधुरानी ने उसके पीछे से वही खाता और पेन ढूंढ कर निकाला, फिर सामने उस आदमी की तरफ मुड़ते हुए बोली, सिर्फ 15 गोनी, पिछले वक्त तो ज्यादा हुई गवा। क्या बात करती रही, पिछले वक्त तो सिर्फ 12 गोनी हुई गवा, पिछले वक्त गोया भी कम था ना। हाँ सब ठीक है, लेकिन औसत तो उतनी ही आनी चाहिए ना। मधुरानी वही और पेन गणेश के पास देते हुए बोली, गणेश राव जरा निकालो तो औसत। हाँ तुम जरा बताइयो तो आदमी बोला, पिछले वक्त 2:30 में 12 गोनी हुई गवा, और इस वक्त 3:15 गोनी। गणेश वही तो गिनती और हिसाब करने लगा। नहीं मधुरानी, इस बार औसत अच्छा आया है, इस बार 5 का तो पिछले बार 4.8 का। अरे मुझे तो ये मालूम रहा, संभाजी राव पर पूरा भरोसा है हमरा, हम तो ऐसे ही उनका मजाक कर रहत। क्यों संभाजी राव, मधुरानी संभाजी राव की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए बोली। संभाजी राव भी शर्माकर हंस दिए। ठीक है जाता हूँ फिर, वह बोला। मधुरानी उसकी तरफ देखकर फिर से मुस्कुरा दी, मानो हंसने के बोली में कह रही हो, ठीक है अब तशरीफ ले जा सकते हैं। वह चला गया। वह निद्रों से ओझल होते ही मधुरानी बोली, बदतमीज कलमुहा, काम तो अच्छा करत है, कभी मेहनत भी करत है, लेकिन नजदीकी बहाने की कोशिश करत है। अभी देखा ना कैसन चाबी मेरे हाथ में थमाने की कोशिश कर रहा था, हाथ को छूने की कोशिश करेगा, अपने घर में माँ बहन नहीं। यह बोला हुआ गणेश को भी लागू होता था, इसलिए गणेश को भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।
छत से मधुरानी गणेश के जांघ पर थपथपाते हुए बोली, मतलब उसकी औकात भी तो उतनी होनी चाहिए। जी जी। गणेश का चेहरा फिर से खिल गया। उसने सोचा, अच्छा तो कम से कम मुझे तो नहीं बोला मधुरानी ने, मैं उसके लिए अपवाद जो हूँ। लेकिन यह किसी मजबूर बेवा औरत की मजबूरी का लाभ उठाना बराबर नहीं लोगों का। गणेश राव, आपका हिसाब तो एकदम भारी दिखता है जी। बहुत जल्दी किया, ना ही मालूम था कि गणित में भी आप इतने निपुण रहत। मधुरानी, आप तो तारीफों के पुल बांध कर अब तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो। गणेश शर्माकर बोला। वहां दुकान में या आसपास कोई नहीं था। उसका फायदा उठाते हुए मधुरानी इतराते हुए बोली, गणेश राव मुझे ऐसा आप वगैरह मत कहियो। गणेश ने चमक कर उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में उसे मत भरे भाव उभरते हुए नजर आ रहे थे। गणेश को उसके कान गर्म होने जैसा एहसास होने लगा था। सिर्फ मधु कहा तो चलेगा जी, या फिर रानी चलेगा? हाँ, रानी ही ठीक रहेगा। गणेश का गला सूखने लगा था। उसके हाथ पैर में कंपन महसूस होने लगी थी। उसने झुककर अपनी नजर मधुरानी के चेहरे से हटाकर नीचे झुकाई। फिर अभी उसे एहसास हो रहा था कि अब भी मधुरानी लगातार एक तक उसके चेहरे की तरफ ही देख रही है, मानो आज वह उसे अपनी आंखों से पी लेना चाहती हो। आपके दुकान का हिसाब किताब कौन रखता है? वह कुछ तो बात बनाने की कोशिश करते हुए बोला। मैं ही रखती हूँ जी। क्यों, मुझे अनपतो ना ही समझ रही? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, मधुरानी जोर से हंसते हुए बोली। नहीं वैसे नहीं, वह हड़बड़ाकर संभलते हुए बोला। तू पड़ोस का विलास करता है हमारी सहायता कभी कभी? नहीं, मैंने सोचा कभी कभी मैं भी सहायता करता जाऊंगा आपकी। आपकी? उसने टोका। नहीं मतलब तुम्हारी? ऐसा कहते हुए गणेश का चेहरा शर्म के मारे लाल लाल हुआ था। वैसे सहायता की कोनी जरूरत तो नहीं, पर सहायता करने का कोई दूसरा कोई मकसद रहा तो चलेगा। फिर से मधुरानी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। उसने फिर से शर्माकर अपनी नजर झुकाई। वह अब उसके सामने रखे लकड़ी के संदूक की तरफ देखने लगा। संदूक पर रखा मधुरानी का हाथ ऐसे ही संदूक से खेल रहा था। उसकी हाथ के हर हरकत से उसके मन की चंचलता स्पष्ट झलक रही थी। गणेश अब अपना ढाढ़स बांधने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों में देखने की तो हिम्मत नहीं बन रही थी उसकी। लेकिन नहीं, वह मुझे सिग्नल पर सिग्नल दे रही है, उसके सिग्नल का जवाब देना अब जरूरी है, नहीं तो मुझे वह क्या समझेगी? नमपुसक, नहीं, कुछ तो जवाब देना ही चाहिए। उसके दिमाग में सोच का चक्र जोर जोर से घूम रहा था। वह अब अपने हर हरकत के परिणाम के बारे में सोचने लगा। साली अपने गले पड़ी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, सिर्फ मजा मारने तक तो बात ठीक है। जाने दो, बाद का बाद में देखा जाएगा, पहले उसके सिग्नल का जवाब तो देते हैं। उसने उसकी चेहरे की तरफ देखा। उसकी नशीली नजर अभी भी उसे पी रही थी। फिर से झेपकर उसकी नजर झुक गई। अब तो उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा था। मूर्ख, वह इतनी तुझे सिग्नल पर सिग्नल दे रही है और तुम किसी निर्जीव वस्तु की तरह उसके सामने सिर्फ बैठे हो अपने हाथ पैर फुलाकर। नहीं, कुछ तो करना ही चाहिए। अब लोहा गर्म होकर लाल लाल हो चुका है, यही सही वक्त है घाव करने के लिए, आखिर उसने तय किया। उसकी तरफ देखना तो मुमकिन नहीं है। उसकी आंखों में देखने पर न जाने क्यों सौ तपते सूरज की तरफ देखे जैसा होकर आंखें चौंक जाती है। कम से कम निची गर्दन रखकर भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं उसका हाथ तो अपने हाथ में ले सकता हूँ। वह धीरे धीरे अपनी हिम्मत बटोरकर अपना हाथ उसके संदूक पर रखे हाथ की तरफ खिसकाने लगा। उसके हाथ में कंपन होने लगी थी, पैर भी अब कांपने लगे थे। वह अपने कांपते हाथ को किसी तरह काबू में करने की कोशिश करते हुए उसकी तरफ खिसकाने लगा। बाहर इतनी ठंडी हवा बह रही थी, फिर अभी वह पसीना पसीना हो गया था। आखिर उसने बड़ी हिम्मत कर अपने कपकपाते हाथ का हमला उसके हाथ पर बोल दिया। लेकिन ये क्या, उसके पहले ही उसने अपना हाथ वहां से झुक से उठा लिया था। वह एकदम मुरझाता गया, उसे अपमानित महसूस होने लगा था। तभी मधुरानी का आवाज आया। बापू, तनिक संभाल के थोड़ी कम लियो, नहीं तो कल जैसे गटर से उठाकर लाना पड़ेगा। गणेश ने अपनी शर्मिंदगी से नीची झुकी गर्दन ऊपर उठाकर देखा। मधुरानी के सामने दो तीन दिन की दाढ़ी बढ़ा हुआ एक वयस्क देहाती खड़ा था। उसने मधुरानी के सामने अपना हाथ फैलाया था और मधुरानी ने एक एक के दो सिक्के उसके हाथ पर रख दिए थे। उस आदमी ने वे सिक्के ले लिए और कुछ ना बोलते हुए वहां से चल दिया। अच्छा मतलब मधुरानी ने, वह आदमी आया था इसलिए झुक से अपना हाथ पीछे खींच लिया था, नहीं तो उसे बड़े कठिन समय से गुजरना पड़ सकता था। मधुरानी ने सतर्कता से वह समय टाला था, गणेश ने सोचा। उसे सचमुच उसकी तत्परता का बड़ा आश्चर्य लग रहा था। सचमुच अपनी आंखों में खो जाने के बावजूद उसका सब तरफ ख्याल था, और मैं सचमुच उसकी सतर्कता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम थी। अब उसके चेहरे से अपमान के भाव मिटने लगे थे। उसने मधुरानी की तरफ देखा, वह उसकी तरफ निकटतसी देखते हुए उठ गई। कौन था वह? वह अपने चेहरे के भाव छिपाने की चेष्टा करते हुए बोला। ससुरा, वह बोली। चलियो, बहुत देरी हुई गवा, दुकान बंद करना पड़ेगा, नहीं तो लोग वाक्य आधा ही छूते हुए वह दुकान बंद करने की तैयारी करने लगी। ठीक है, मैं भी निकलता हूँ, वह खड़ा होते हुए बोला। वह फिर से उसकी तरफ देखते हुए निकटतसी हंस दी और अपने काम में फिर से व्यस्त हो गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सचमुच उसका एक अवसर से दूसरे अवसर में चपलता से प्रवेश करने का हुनर प्रशंसा करने लायक था। वह उसकी बिजली सी तेज हरकतों की तरफ देखते हुए अपने कमरे की तरफ मुड़ा। वह भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ जा रहा था। दरवाजे के पास खड़े होकर उसने एक बार मुड़कर मधुरानी की तरफ देखा। उसने भी उसकी तरफ देखा। अब भी वह नटखट मुस्कान उसके चेहरे पर फैली हुई थी।